नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। बड़ी खबर आजाद नगर से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 जुलाई को अपने एक दिवसीय दौरे पर अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर भाभरा में आजाद को नमन करने आने वाले थे, जिसे लेकर सारी तैयारियां भी पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन कल देर शाम अचानक मुख्यमंत्री ने अपना दौरा रद्द कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश पटेल ने कहा कि शिवराज सिंह डर गए हैं, क्योंकि 23 जुलाई को कांग्रेस पार्टी, जेएस कार्यकर्ता व बेरोजगार युवा उनका विरोध करेंगे, जिससे डर कर शिवराज सिंह ने अपना दौरा रद्द किया है। जितना खर्च उनके आने पर यहां किया जा रहा है, उतना खर्च अगर विकास के कार्य में किया जाता तो तस्वीरें कुछ और ही होती। तो वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष वकील सिंह ठकराल ने महेश पटेल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 23 जुलाई का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आजाद नगर दौरा कोई निश्चित नहीं था। मुख्यमंत्री जी का दौरा अगले कुछ दिनों में हो सकता है। भाजपा की ओर से 23 जुलाई को अलीराजपुर जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तेगांव, सांसद गुमान सिंह जी डामोर, जिले के सभी वरिष्ठ नेता व जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मोत्सव में शामिल होंगे। आजाद नगर से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। तेईस जुलाई को लेकर बीजेपी की तरफ से कौन कौन आ रहा है? कल 23 जुलाई को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म जयंती के अवसर पर एक श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अलीराजपुर जिले के हमारे प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय राजवर्धन सिंह जी दत्तेगांव और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय आदरणीय गुमान सिंह जी डामोर साहब और हमारे जिले के सभी वरिष्ठ नेता आदरणीय नागर सिंह जी, माधव सिंह जी, राकेश अग्रवाल जी, हीरालाल जी, किशोर शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी निर्वाचित प्रतिनिधि इस अवसर पर चंद्रशेखर नगर में आएंगे और प्रतिवर्ष की तरह हम सभी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जी, महेश पटेल ने आरोप लगाया है कि बेरोजगार युवा, जेएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के धरना प्रदर्शन के कारण मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हुआ है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का दौरा तय नहीं हुआ था, पर जैसा कि आप सबको विदित है कि आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने इस नगर का नाम आज़ाद नगर रखा। आज़ाद प्रतिमा लगवाई और उनका ये कहना था कि हर वर्ष चंद्रशेखर आज़ाद नगर में शहीद के नाम से एक मेला लगेगा। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने इस भाभरा नगर को एक अलग पहचान दी है और उनकी ये दिली इच्छा रहती है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद नगर में बार बार आएं, क्योंकि उनका कार्यक्रम तय नहीं था और आने वाले समय में वो जल्दी ही चंद्रशेखर आज़ाद में आने वाले हैं। अभी उनकी व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए और माननीय मंत्री जी इस कार्यक्रम में रहेंगे। धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान का दौरा निरस्त हुआ, क्या कहेंगे इस पर आप? शिवराज सिंह जी चौहान का जो दौरा था 23 जुलाई को, जो कि आजाद कुटिया को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनको मालूम पड़ा कि कांग्रेस, बेरोजगार युवा और जय संगठन उनको और कई कर्मचारी घेरने की मांग, सभी लोग घेरने की कोशिश करने की थी, लेकिन शिवराज सिंह जी ने डर के मारे दौरा निरस्त किया। और जो कि भाभरा, आजाद नगर और बलझर में करोड़ों रुपए का वाटर प्रूफ जो खर्चा किया है, इससे तो विकास में अगर करते तो आज भाभरा का विकास बढ़िया हो जाता है कि वहाँ भाभरा की नगर पंचायत ले लो कि वहाँ इतनी हालत खराब है कि आप वहाँ
रोड ले लो या चाहे शमशान घाट पे रोड ले लो, तो ऐसी हालत है। तो वहाँ लाखों रुपए का जो बर्बाद हुआ है शिवराज सिंह जी चौहान नहीं आने से, तो आज जो वाटरप्रूफ जो टेंट वगैरह लगा है, तो इसको तो मतलब ये विकास के विकास होता तो होता, लेकिन मुख्यमंत्री डर के मारे नहीं आया। जो कांग्रेस और सभी संगठनों ने मतलब घेरने का हमने निर्णय लिया था, तो उसके डर के मारे नहीं आया। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।